घटना ये है कि मेरी उससे सगाई हुई थी 21 अक्टूबर की, जिसमें वो मुझे बहुत प्रताड़ित करता था, हर चीज़ में पाबंदी लगाता था कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, नौकरी मत करो, दोस्तों से बात मत करो, ये मत करो, हर चीज़ में वो लगाता था। सगाई अभी 2 मई की मेरी सगाई थी, वो मुझे इतना परेशान करता था, इवन मुझे तो करता ही करता था, मेरी जो फीमेल दोस्त हैं उनको भी गंदे गंदे मैसेज करता था, उनको 2-2, 3-3 बजे तक की मैसेज करता था, उनको परेशान करता था, उनको धमकियाँ देता था कि अगर मेरी इनकी से शादी नहीं हुई तो मैं तुम लोगों को जीने नहीं दूंगा। और फिर फाइनली आज उसे, वो मुझसे बात कर रहा था, मैंने बोला जी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपके कल उसके घर वाले आने वाले थे मेरे घर पे शादी तोड़ने के लिए, बट कल हुआ नहीं, वो आज ही 11:30 बजे के आसपास में मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसा और मेरे घर पे आके पहले मुझसे बोलता है कि आप मुझसे शादी करोगी नहीं करोगी, मैंने मना कर दिया मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, तो बोलता है कि तुम्हारा फाइनल डिसीजन है। हाँ, राइफल रखे हुए था पुलिस की वर्दी में, वो आया हुआ था मेरे घर पे और आके मेरे घर वालों को सबको धमकाता है, बोलता है मुझे तो आज ही डिसीजन चाहिए, मुझे आज ही सब चीज़ें चाहिए। मैंने बोला आज कुछ नहीं होगा, आप अपने घर वालों को लेकर आओ तभी हम आगे बात करेंगे। वो आया, बोलता है नहीं आप तो अभी मुझे बताओ, तो मैंने बोला अभी कुछ नहीं होगा आप जाओ, तो वो बोलता है मैं पूरे परिवार को ख़त्म करके जाऊँगा, ऐसा इतना बोला है, और उसने मेरे छोटे वाले भाई पे गोली मार दी है और फिर मेरी मम्मी को गोली मार दी और उसके बाद में उसने पूरे सबको गोली मारने की नशे में था। हाँ, शराबी पिए हुए था वो। शायद एसएफ का जवान है, मुझे तो उसने ये बताया था कि वो PHQ में सिपाही है। क्या नाम लिखता है? अजीत सिंह चौहान। नहीं, मंगेतर जिनसे वो उनकी शादी फिक्स हुई थी एसएफ के जवान की, उससे परिवार से उसने जाकर के वहाँ पे झगड़ा किया है और झगड़ा करने के पश्चात जो है वहाँ पे अपने जो सर्विस वेपन है उसके साथ ले जाकर के वहाँ पे गोली चलाई, जिसके भाई की मृत्यु हो गई है, माँ को भी गोली लगी है और ख़तरे से बाहर है, उसको कब्ज़े में ले लिया गया है, सारी FIR दर्ज कर ली गई है, परिवार से लगातार हम संपर्क में हैं ताकि माँ जो हैं वो ख़तरे से बाहर हो जाएं, उनका इलाज अच्छी तरह से हो जाए और इस जघन्य अपराध के लिए जो है हम लोगों ने टीम बनाई है ताकि उसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर ले।